नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सम्मी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 25 अप्रैल को खोराबार थाना क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर के पीड़ित परिवार को प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए की दी सहायता राशि। ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने रविवार को पीड़ित परिवार के दोनों बच्चों को सौंपा 2.5 लाख का चेक। कहा, प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ है, हमेशा किसी भी तरह की समस्या होने पर दी जाएगी सहायता। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन का इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस सलील कुमार राय ने फीता काट कर विधिवत किया उद्घाटन। मुख्य अतिथि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल तरीके से सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, पुरातन छात्र सम्मेलन में एक पुरातन छात्र के रूप में जुड़ने वाले इस अनुभव से खुद को महसूस कर रहा हूँ गौरवान्वित। वरदायिनी मॉडल शॉप पर 30 अक्टूबर को वेटर की हत्या में शामिल अभियुक्तों के घर रामगढ़ताल पुलिस ने डुगडुगी पिटवा कर कुर्की के नोटिस को किया चस्पा। कहा, एक महीने के भीतर वांछित अभियुक्त पुलिस या न्यायालय में करे सरेंडर, नहीं तो उनके मकानों की जाएगी कुर्की की कार्यवाही। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने तरुण सुरक्षा अभियान के तहत छात्र छात्राओं की सुरक्षा हेतु विद्यालय के प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों के साथ की गोष्ठी। कहा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सभी विद्यालय के अध्यापक व प्रधानाचार्यों को किया जा रहा है जागरूक। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पहले राष्ट्रीय पुरातन सम्मेलन में 34 पुरातन छात्रों को डिस्टिंग्विश एल्यूमनाई अवार्ड से किया गया सम्मानित। कहा, गोरखपुर विश्वविद्यालय आने वाले दिनों में बनेगा एक बड़ा प्लेटफॉर्म, मिलेंगे कई तरह के फायदे। विद्यालय जाने वाले छात्रों के गार्जियन से एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने की अपील। कहा, कम उम्र के छात्र व छात्राओं को ना दे स्कूल जाने के लिए वाहन, किसी तरह की समस्या होने पर डायल 112 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दें सूचना, तत्काल होगी कार्यवाही। दो अंतरजनपदीय वाहन चोरों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का दो मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। जिला प्रशासन ने वाद हित सर्वोपरि किया लॉन्च। एडीएम फाइनेंस ने कहा, वादी न्यायालय में आकर अपने मुकदमे की पैरवी कर कराए अपने मुकदमे का निस्तारण, वादियों की सभी समस्याओं का होगा समाधान। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र सम्मेलन में आए हुए अतिथियों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कुलाधिपति वाटिका में किया पौधारोपण। कहा, विशिष्ट अतिथि और अतिथियों का यादगार पहलू बन सके, इसलिए किया गया है पौधारोपण। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो अभियुक्तों को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 किलोग्राम नाजायज गांजा व मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। सीओपीडी नामक बीमारी के संदर्भ में एक संगोष्ठी का गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय के निदेशक मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी ने किया शुभारंभ। कहा, देश की 3 करोड़ आबादी सीओपीडी नामक बीमारी से है ग्रसित। इस बीमारी से 10 लाख लोगों की प्रतिवर्ष होती है मृत्यु। और तरुण सुरक्षा अभियान के तहत विद्यालयों के वाहन चालकों व सहयोगी स्टाफ का कराया गया स्वास्थ्य परीक्षण। एसएसपी ने कहा, अनफिट वाहन चालक के वाहन चलाने पर लगाई जाएगी रोक। अब खबरें विस्तार से। जैतवन में 25 अप्रैल को खोराबार थाना क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर के पीड़ित परिवार प्रदेश सरकार की तरफ से मिले सहायता राशि को ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में मृतक गामा निषाद के दोनों पुत्रों को 2.5 लाख का चेक सौंपा। जिसके संबंध में ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया कि 25 अप्रैल को एक सरफिरे के द्वारा खोराबार के रहने वाले गामा निषाद व उनकी पत्नी व उनकी पुत्री की निर्मम हत्या कर दी थी, जिससे उनके दोनों नाबालिग पुत्र अनाथ हो गए थे, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ को घटना से अवगत करवाया गया तो उन्होंने पीड़ित परिवार के दोनों बच्चों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5 लाख की सहायता राशि दी, जो कि दोनों बच्चों सुग्रीव निषाद और अच्छे लाल निषाद को 2.5-2.5 लाख का चेक प्रदान कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा पीड़ित परिवार के साथ है, हम लोग भी व जिला प्रशासन भी पीड़ित परिवार के साथ है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इस अवसर पर विधायक विपिन सिंह के साथ एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, कानगो वीर बहादुर सिंह, चंद्रपाल सिंह राही, राकेश सिंह, वैभव ग्रहरी, डॉक्टर रमेश निषाद, गिरीश सिंह उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह एवं एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नहीं तो केस बिगड़ती जाएगी, सबको उसकी सजा दिलवाना, उसको आप लोग फिक्स कर लेना, ठीक है ना? तो आगे चल के आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा। विगत कुछ दिनों पहले यहाँ पर खोराबार के रायगंज में तिहरी हत्या हो गई थी। एक पागल आदमी ने, एकदम पागल ही कहा जाएगा उसको, जो इस तरह से घटना करता है, तो इनके माँ बाप और बहन की हत्या हो गई थी। दोनों लड़के नाबालिग हैं। तो पूज महाराज जी से मैंने अनुरोध किया था अभी जब गोरखपुर भ्रमण के दौरान, महाराज जी ऐसी ऐसी घटना हो गई, वो परिवार बहुत निहायत ही गरीब है, काम क्रिया करने की भी स्थिति में नहीं है, तो उसको अगर आपके स्तर से सहायता मिल जाए तो बेहतर होगा। पूज महाराज जी ने कहा निश्चित मिलेगा, और नेक्स्ट डे ही उस पर पूज महाराज जी ने अमल किया और हमको दोपहर में ही कॉल आ गया कि उनका पैसा जो है स्वीकृत हो गया है और 5 लाख रुपये जो है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा, चेक आप जा करके वितरित कर रहे थे। इनको पता किया गया कि लोग रायगंज में नहीं रहते थे, अपने मामा के साथ पिपराइच में रहते थे, तो उनसे संपर्क किया गया हमारे एडीएम एफआर महोदय के द्वारा और कानगो वीर बहादुर सिंह के उससे और वहाँ के सर्किल लेखपाल के माध्यम से उनसे संपर्क करके उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर ही आकर के अपना चेक ले लेंगे। तो आज यही जिलाधिकारी कार्यालय पर जो है उन लोगों को चेक दिया गया है और ये भरोसा दिलाया गया है कि कोई भी दिक्कत अगर होती है तो प्रशासन आपके साथ खड़ा है, आपका क्षेत्रीय विधायक है, मुख्यमंत्री का जहाँ यह जिला है, तो निश्चित है कि कोई आगे इन लोगों के साथ कोई घटना या कोई दिक्कत इन लोगों की को नहीं हो सकती। प्रशासन और हर स्तर से सारे लोग तैयार बैठे हैं। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। हमारे जनपद में अभी 25 अप्रैल को एक दुखद घटना हो गई, जिसमें गामा निषाद जी के परिवार, उनका स्वयं, उनकी पत्नी और उनकी बेटी की एक सिरफिरे व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई है, और उस ये घटना अत्यंत दुखद थी। इसकी सूचना माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और माननीय विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत अनुरोध किया गया कि परिवार बहुत गरीब है, उसको शासकीय सहायता मिलनी चाहिए। तो तत्परता से राज्य सरकार ने इस पर कार्य करते हुए हमें परसों अर्थात 29 तारीख और 30 तारीख को पैसा उपलब्ध करा दिया गया, जिसका चेक बनकर तैयार हो गया था। और आज चूँकि वे लोग रायगंज में नहीं थे और यहीं पिपराइज साइड में थे, उनको यहीं कलेक्ट्रेट में आमंत्रित किया गया था, और माननीय विधायक जी श्री विपिन सिंह जी, मैं स्वयं जिलाधिकारी महोदय का प्रतिनिधि, वीर बहादुर सिंह जो आरआई थे तहसील के प्रतिनिधि, क्षेत्रीय लेखपाल और कुछ और लोगों की उपस्थिति में उनके दोनों बेटे, एक अच्छे लाल और दूसरा सुग्रीव, दोनों को 2.5-2.5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया है। उनको माननीय विधायक जी ने भी और हमने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है कि यदि कोई उनको समस्या होगी तो वे हमारे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन का मुख्य अतिथि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस सलील कुमार राय ने फीता काटकर उद्घाटन किया और विशिष्ट अतिथि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस उमेश चंद्र शर्मा, सांसद जगदम्बिका पाल तथा दक्षिण बिहार गया के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति व प्रोफेसर के एन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर तथा माता सरस्वती की प्रतिमा पर फूल अर्पित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय भारत की ज्ञान
परंपरा को कई दशकों से शिक्षित करती आ रही है। पूरी दुनिया में जब कहीं जाता हूं तो मेरा परिचय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में कराया जाता है। उन्होंने कहा कि कई दीक्षांत समारोह में शामिल होने का मौका भी मिला है। पुरातन छात्र सम्मेलन में एक पुरातन छात्र के रूप में जोड़ने वाले इस अनुभव से खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से डिस्टिंग्विश एल्यूमिना ई अवार्ड को मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करता हूँ। पुरातन छात्र सम्मेलन आदर्श मंच है जो शिक्षकों साथियों से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा, आज़ादी के बाद स्थापित होने वाले इस विश्वविद्यालय की नींव पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने रखी। महंत दिग्विजयनाथ ने दो कॉलेज को दान किया और आगे चलकर विश्वविद्यालय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रखा गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह और एल्यूमिनाई सेल के अध्यक्ष प्रोफेसर एस के सिंह ने कहा, जुड़ेंगे वो अपने साथ के लोग होते जाएंगे। इस तरह से चेतना का प्रतीक है। यह भी निरंतर त्याग और समर्पण का प्रतीक है। ज्ञान और विद्या के परिसर में दीप प्रज्वलन साधना और संकल्पों की निरंतरता का प्रतीक है। यह पैदा करता है दीप की प्रातन छात्र और यहाँ के विद्यार्थी हैं श्री जो दीपिका पाल जी जो इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। Thank you.
आप यही कभी जो स्नातक हैं और विद्यार्थी और माननीय लोकसभा सदस्य दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। हमारे कुल के लिए स्वागत कुशल खुशी का अवसर है कि आज 1 मई 1950 72 वर्ष पूर्व विश्वविद्यालय की शिलान्यास रखा गया था। उसके 6 साल बाद 1956 में विश्वविद्यालय स्टार्ट हुआ था। उस स्थापना दिवस पर हम लोग आप सभी लोग एकत्रित हैं अपने पूर्व छात्रों के साथ संस्थान के आत्मीय संबंध स्थापित करने के उनके अनुभव को निस्मृत होने के उनकी समस्याओं सुनने की आशा के साथ हमने फर्स्ट अलूमनी नेशनल अलूमनी मीट का आयोजन किया है। इससे पहले भी हमने 1 मई 2021 को इसका एक प्रयास किया था कि हम अलूमनी मीट कर सकें, लेकिन कोरोना के कारण हम लोग नहीं कर पाए। तो ये दूसरा अटेम्प्ट था। हमने इसको इंटरनेशनल अलूमनी मीट की एक तैयारी कर रहे हैं जो कि हम 5 से 7 नवंबर पे करेंगे। और चूंकि स्थापना दिवस को हम लोग ने एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया है जिस दिन हम लोग एकत्रित होंगे और हम लोग अलमारी को एकत्रित करेंगे और उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे कि जो भी विश्वविद्यालय के लिए सोच सकें, आगे आ सकें, बातें कर सकें। इसी सिलसिले में लगभग हमने अनुरोध किया था सभी डिपार्टमेंट से कि आप सभी 20-20 डिस्टिंग्विश अलुमनस आप लोग रिकमेंड करें। तो लगभग 32 डिपार्टमेंट है तो 640 डिस्टिंग्विश अलुमनस का डेटा आया था और उसमें से करीब 140 हम लोग ने और एकत्रित किया गया। तो 600 डिस्टिंग्विश अलुमनस में से एक चयन समिति के माध्यम से हमने 34 डिस्टिंग्विश अलुमनस जिनको हम आज आवाज करेंगे। माननीय राजनाथ सिंह जी जो हाईटेक बोर्ड में हमसे जुड़े हुए हैं, मंच पर बैठे हुए एक सफल और कुशल सभी के चित्त परिचित इस विश्वविद्यालय के एक अलुमनाई माननीय जगदम्बिका पाल जी और एक विशिष्ट व्यक्तित्व इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति माननीय सलील राय जी, सामने बैठे हुए किसका नाम लूं किसका छोड़ू मैं देख रहा हूं, इतने चीख प्रचीत चेहरे आ रहे हैं। प्रोफेसर रामचंद्र सिंह साहब हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जिनके साथ रह तक के कुछ सीखने का अवसर मिला, गुरु की ही परंपरा मेरे स्कूल में चल रहे हैं इसलिए उन्होंने 45-45 मिनट का एक लेक्चर पूरा दोनों हमारे वाइस चांसलर का सुना। हमारे लॉर्ड जस्टिस जिस तरह के निर्णय करते हैं उन निर्णयों की तरह से आप लोगों ने कहा, लेकिन मेरी बाध्यता मेरी नेता है और मैं पुरातन छात्र का इसमें सबसे अकिंचन इकाई हूँ, तो इसलिए मैं केवल सारे अलुमनाइज की तरफ से अपनी भावनाओं को व्यक्त करूँगा जिससे ये कनेक्ट हो जाए कि अगर चिंता सोच रहे कि मैं नहीं बोल रहा हूँ या हमारे तमाम जो अलुमनाइज हैं मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ, मैं आगे राजनीति की तरफ से बोल रहा हूँ कि आज ये पहली बार जो प्रयास प्रोफेसर राजेश जी वाइस चांसलर ने शुरू किया है, सबसे पहले तो हम उनको इस बात का आभार और बधाई देते हैं कि शायद ये अगर अलुमनाई मीट नहीं होता तो इस छत के नीचे न जज साहब होते न प्रोफेसर तेजस्वी होते न जगदम्बिका पाल और न आदरणीय राजनाथ जी। और मैं राजनाथ जी को जब एनबीओ हॉस्टल में थे मैं भी था तब से जानता हूँ और आज वो देश के रक्षा मंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट में, और जिस तरह से आज देश के गौरव को बढ़ा रहे। आपको एक लाइन में कहना चाहता कि जब वो भारत के लिए रफाइल चित्रण बहुत चलाएगा रफाइल प्लेन लेने गए फाइटर और रफाइल लेके आ रहे थे तो देश का चाहे किसी कन्याकुमारी से कश्मीर में बैठा हुआ कोई नागरिक था ऐसा रोमांचित हो रहा था कि ये रक्षा मंत्री ये रफाइल फाइटर प्लेन नहीं लेने जा रहे हैं बल्कि देश की सीमाओं पे अगर चाइना या पाकिस्तान कभी आग उठाएगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने वाला फाइटर प्लेन।
देश ने उनका स्वागत किया होगा, अपने घरों में बैठ करके उनका स्वागत किया होगा, आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय राजनाथ जी का। लेकिन वो स्वागत भी, वो सम्मान भी उनको, या चाहे जजेस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में भी सम्मान मिल जाए, या हमको कहीं मिल जाए, देश के अंतर्राष्ट्रीय मंचों में, यूनाइटेड नेशन से दुनिया की कॉन्फ्रेंस में भी हम लोग भी जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ राजनाथ जी को भी, जैसा साहब को भी, मुझको भी, आज यहाँ जो सम्मान मिल रहा है उसके आगे वो कोई सम्मान नहीं है। यही सत्यता की शुचिता और पवित्रता को बनाने का काम है। ये व्यक्तित्व तराशा है, चाहे प्रोफेसर रघुवीर सिंह की हों, प्रोफेसर रामचंद्र सिंह की हों, या प्रोफेसर उदय राय राय की, ये सब स्तंभ थे, सशक्त हस्ताक्षर थे। जबकि मैं छात्र राजनीति में शक्ति होने के साथ साथ पढ़ने लिखने वाला भी युवक था, ये याद है मेरे तेवर काफी तेज हुआ करते थे, मगर मैंने अपनी ऊर्जा और तेवर का कभी बेजा इस्तेमाल नहीं किया। भैया पढ़ रहा था वहां पर विश्वविद्यालय में, एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सार्वजनिक सभा को भी अकेले ही मैंने निस्तर किया। विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेकर कई बार धरना भी मैं दिया। यदि मैं सारी चीजों का स्मरण करूं तो कई ऐसी घटनाएं हैं जिनकी चर्चा की जा सकती है, लेकिन उसकी चर्चा इस समय करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं, यही कारण है कि छात्र राजनीति के होने के बावजूद मेरे रेस्पॉन्सेस कभी भी नुआंस नहीं थे, न्यूसेंस से भरे हुए नहीं। मेरा मानना है कि अपने बिजनेस शेड्यूल के बावजूद साल में एक बार हमें पुरानी यादों को ताजा करने और पुराने रिश्तों को खीने के लिए समय जरूर निकालना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा करने से जैसे कार्यक्रम का बहुत बड़ा योगदान होगा। साथियों, एलुमनाई मीट एक आदर्श मंच है जहां हम सब अपने साथियों और शिक्षकों से जुड़ी पुरानी यादों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब याद भी आए कि कैसे यहां अध्ययन करते हुए हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते थे और चिंता भी करते थे। हालांकि सबको काफी लंबा समय हो गया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल की बात, शायद किसी ने सही कहा है कि मेमोरी है मैजिकल वे टू ब्रिंग बैक द फेवरेट यस्टरडेज, यानी यादों में जीवन के सुनहरे पलों को वापस लाने की एक ताकत होती है। पर मुझे याद है वर्कप्लेस विश्वविद्यालय में पढ़ना उस समय पूरे पूर्वांचल के युवकों का एक सपना होता, और आज की पीढ़ी को शायद ही यह बात पता होगी गोरखपुर विश्वविद्यालय स्वतंत्रता मिलने के बाद उत्तर प्रदेश का स्थापित होने वाला यह पहला विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री गोविंद वल्लभ जी पंत ने रखी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना में गोरखपीठ का भी बहुत बड़ा योगदान, तत्कालीन गोरखपीठाधीश्वर मंत्र दिग्विजयनाथ जी ने इस विश्वविद्यालय के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और उन्होंने इसके निर्माण के लिए सहयोग के तौर पर अपने दो कॉलेजों का भी दान किया। बाद में 1997 में जब कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तब इस विश्वविद्यालय का नाम महान विचारक, राष्ट्रवादी चिंतक और संगठनकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया। मैं मानता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम होना ही यहां के छात्रों के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा है। मैं मानता हूं कि ऐसी विरासत या लेगेसी यूं ही नहीं बन जाती, उसके लिए बहुत ही परिश्रम और साधना करनी पड़ती। आज हम सब जब एक नए भारत के निर्माण में लगे हुए हैं, हमें एक बार पीछे उठके जरूर देखना चाहिए, कि कैसे हर क्षेत्र में हमारे लोगों ने अपने डिटर्मिनेशन, कन्विक्शन और कमिटमेंट से राष्ट्र को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। और आज जब हम भारत को एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं, हमारे लिए हमारे श्रमिक भाइयों का परिश्रम भी प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत होना चाहिए। आज पहली मई है, इसलिए इस बात की मैं चर्चा कर रहा हूं, और आज का दिन
पूरे विश्व में इंटरनेशनल लेवल पे या अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और आज ही के दिन विश्वविद्यालय की एडमिटाइज मीट भी हो रही है। आज इस मौके पर मैं भारत को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाले और राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाने वाले अनगणित श्रमिकों के दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत को भी मैं नमन करता हूँ। गोरखपुर विश्वविद्यालय की पहली अल्मनाई मीट थी, नेशनल अल्मनाई मीट, और इसमें आज चीफ गेस्ट हमारे डिस्टिंग्विश अल्मनस श्री राजनाथ सिंह जी थे और बहुत सारी करीब हमने 34 डिस्टिंग्विश अल्मनस अवार्ड दिए, जिसमें 3 जज हैं, 2 मीडिया के लोग हैं, 5-6 वाइस चांसलर हैं, 5 NRI हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन है जो अमेरिका से आए हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा ग्रुप क्रिएट हो रहा है जो आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय में प्लेटफॉर्म बनेगा और जिससे हम उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। जो विश्व की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है उसमें यही होता है, जो अल्मनाई इसके होते हैं उसको मदद करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। जी, इस तरह की स्टेट यूनिवर्सिटी, एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी जो और रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थ्रू आउट इंडिया, उनमें एक रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है हर यूनिवर्सिटी में, तो ये एक रिसोर्स जनरेशन का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा और ये बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। अब शाम को हर फैकल्टी लेवल पे अल्मनाई मीट होगा। सर, पौधारोपण भी किया गया? हाँ, सभी जितने डिस्टिंग्विश अल्मनस थे उनके नाम से पौधारोपण किया गया, कुछ लोगों को सम्मानित किया गया। जी, पुरातन में जो सम्मानित किया गया। हाँ, मैंने बताया ना, डिस्टिंग्विश अल्मनस अवार्ड से 34 लोगों को नवाजा गया है, उसमें 3 जज हैं, राजनाथ सिंह हैं, जगबीरा पाल जी हैं, 5-6 वाइस चांसलर हैं और साइंटिस्ट हैं, NRI हैं, 3 NRI हैं, एक ब्राउन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नारायण हैं। तो इस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट सेल में सवाल किया। मैं प्रोफेसर SK सिंह, एल्मनाई सेल का प्रेसिडेंट, उपाध्याय गौरव विश्वविद्यालय गोरखपुर की यह फर्स्ट नेशनल एल्मनाई मीट जो कल से ही शुरू हुई है। यद्यपि आज उद्घाटन सत्र आज था, क्योंकि कल कुछ कार्यक्रम कल भी थे, 3 फैकल्टी के कल कार्यक्रम लगे थे, जिसमें कल एक अलग से स्पेशल कार्यक्रम जो है, जस्टिस राहुल चतुर्वेदी जी आए थे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से, और 3 और कार्यक्रम हुए थे। आज ये उद्घाटन सत्र में हमारे मंच पर जो दो हाईकोर्ट के जजेस, केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और राजनीति के क्षेत्र में माननीय सांसद जी जगदम्बिका पाल जी, ये पुरातन छात्र सम्मेलन किसी भी विश्वविद्यालय के लिए अपने आप में एक गौरव का विषय होता है, क्योंकि 70 सालों से अधिक पुराना ये विश्वविद्यालय, जिसने 7 विश्वविद्यालय दिया, वर्तमान में यहाँ 5 वाइस चांसलर हैं इस विश्वविद्यालय से और दर्जन भर से अधिक पूर्व वाइस चांसलर हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी ये पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह भूगोल से MA किए थे, हरियाणा के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय महावीर प्रसाद जी जो गवर्नर रहे हैं हरियाणा के, वो भी भूगोल से PG किए थे। RK चतुर्वेदी जी, जिनको जुड़ना था किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाए, वो भूगोल के टापर रहे हैं, 39 साल पहले उन्होंने MA टॉप किया था ज्योग्राफी में। ये कुल मिलाकर अगर हम पूरे विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के संदर्भ में देखें तो बड़ी समृद्ध हमारे पुरातन छात्रों की परंपरा है। राजनीति के क्षेत्र में बहुत सारे सांसद, बहुत से विधायक, बहुत से MLC इसी क्षेत्र के, चूँकि ये पूर्वांचल का सबसे पुराना, स्वतंत्रता के बाद का पहला विश्वविद्यालय है, इसका परिक्षेत्र जो है पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश हुआ करता था, आज इसमें से 7 विश्वविद्यालय हो गए हैं, जिससे अब 3 जनपद को यह कवर करता है। और ये कुलपति जी ने, माननीय कुलपति जी ने ये एक पुरातन छात्र सम्मेलन आयोजित करके ये शुरुआत की है और ये एक दीप जला है। निश्चित तौर पर यह लगातार हर वर्ष इस तरीके से कार्यक्रम होते रहेंगे और ये भव्यता को प्राप्त करता जाएगा।
रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के वरदायिनी मॉडल शॉप पर वेटर की हत्या में शामिल अभियुक्तों के घर पुलिस ने डुगडुगी पिटवा कर नोटिस चस्पा कर मुनादी करवाई, जिसके संबंध में रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुशील कुमार शुक्ला ने बताया कि 30 अक्टूबर को कुछ युवकों ने मिलकर वरदायिनी मॉडल शॉप पर मारपीट में एक वेटर की हत्या कर दिया था, जिसके संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसको देखते हुए वांछित अभियुक्त रत्नेश सिंह पुत्र कुंवर अजय प्रताप सिंह निवासी श्रवण नगर कॉलोनी सिंघड़िया थाना कैंट जनपद गोरखपुर स्थायी बता डुमरी मलाव थाना हाटा जनपद कुशीनगर, दूसरा सुजीत पासवान पुत्र राम कैलाश पासवान निवासी जंगल चौरी वनसप्ती थाना खोराबार जनपद गोरखपुर, तीसरा रवि पासवान पुत्र जंगली पासवान निवासी जंगल सिकरी सुबह बाजार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर, चौथा संतोष यादव पुत्र राम आश्रय यादव निवासी कालेसर थाना गीडा जनपद गोरखपुर के घर जा करके न्यायालय का नोटिस चस्पा किया गया और यह डुगडुगी के माध्यम से सभी लोगों को बताया गया कि एक महीने के भीतर अभी अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे या तो न्यायालय में सरेंडर कर दे, नहीं तो उनके मकान की कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर रामगढ़ताल के वरिष्ठ उप निरीक्षक एसके शर्मा, आजाद चौक चौकी प्रभारी विशाल उपाध्याय, आजाद नगर चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम आनंद सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अक्टूबर 2021 में गोरखपुर के तारा मंडल स्थित बरदानी मॉडल शॉप में अभियुक्त रत्नेश सिंह पुत्र अजय सिंह निवासी डुमरी मलाव थाना हाटा जनपद कुशीनगर ने अपने साथियों के साथ मिलकर जघन्य तरीके से एक वेटर की हत्या कर दी थी। हत्या के पश्चात अभियुक्त रत्नेश सिंह अभी तक फरार चल रहा है। गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय द्वारा NBW 82 की कार्यवाही की गई है। यदि नियत समय पर यह अभियुक्त हाजिर नहीं होता है तो अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए संपत्ति जब्ती की जाएगी। SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने तरुण सुरक्षा अभियान के तहत छात्र व छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर विद्यालय के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों के साथ योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में गोष्ठी की, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि जिले में छात्र छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु तथा प्रधानाचार्य शिक्षक कर्मचारियों में छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए जागरूकता लाने के लिए 15 दिवसीय तरुण सुरक्षा अभियान जनपद पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि 26 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है तथा 10 मई को समाप्त होगा। इस 15 दिवसीय अभियान के तहत सभी स्कूल के प्रधानाध्यापकों प्रधानाचार्यों प्रबंधकों के साथ गोष्ठी कर स्कूली बच्चों की सुरक्षा व उनके विकास के प्रति उनकी जिम्मेदारियों से भलीभांति अवगत कराते हुए उनमें चेतना व जागरूकता पैदा की जा रही है तथा उन्हें शासन की मंशा व पुलिस से संबंधित योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है। इस क्रम में प्रत्येक स्कूल में अध्यापन करने वाले अध्यापक, ऑफिशियल स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालकों तथा अन्य सहायकों के फोटो, नाम, पता, मोबाइल नंबर संग्रहित कर उनका चरित्र सत्यापन, वाहन चालकों का मेडिकल कराकर व उनके ड्राइविंग लाइसेंस व अनुभव की जानकारी प्राप्त करना, वाहन चालकों के पूर्व क्रियाकलापों के संबंध में जानकारी एकत्र किया जाना, वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी हेतु वर्कशॉप आयोजित करना, वाहनों की फिटनेस चेक कर सत्यापित कराए जाने के लिए सभी विद्यालय को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, सभी विद्यालय का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ा जा रहा है, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सके। इस अवसर पर SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह, SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह, SP साउथ अरुण कुमार सिंह, SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, CO कैंट श्याम देवबिंद, CO गोरखनाथ रत्नेश सिंह, रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुशील कुमार शुक्ला, कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य व अध्यापक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, विकास करने के उद्देश्य से विचार विमर्श के लिए कुछ अनुभव और बातें आप हमको बताएं, कुछ हमारी सुने, इसी उद्देश्य से ये मीटिंग आहूत है। एक शासन के विषय में व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए हैं। हम लोगों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, CBSE द्वारा, ICSE द्वारा जारी किए गए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर विद्यालयों को पालन करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में हम लोग वार्ता करेंगे।
इसी क्रम में मैं डीएसए शिक्षा अधिकारी श्री रामेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया सभी प्रधानाचार्य और प्रवर्तकों की गोष्ठी में अपने विचार आमंत्रित कर उपस्थित हमारे एडिशनल एसपी साहब, आरटीओ साहब, डीआर साहब और इस अबीरनाथ कक्षागृह में उपस्थित हमारे सभी सुरक्षाकर्मी और एसआई, हम सभी लोग जानते हैं कि लोग धन्यवाद। आज एसएसपी साहब और डीएम साहब के निर्देश पे आज जो गोष्ठी हो रही है उसमें उपस्थित हमारे जनपद के तेजस्वी और कर्मठ और मार्गदर्शन देने वाले एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और सभी एसपी साहब और सभी पुलिस विभाग के हमारे इंस्पेक्टरगण और हमारे बीच में उपस्थित आरटी विभाग के अधिकारीगण, डीसी साहब और विभिन्न स्कूलों से आए हमारे डायरेक्टर, प्रिंसिपल और अन्य उनके साथीगण, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बच्चों के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन तत्पर है, क्योंकि कुछ घटनाएँ और जिलों में हो चुकी हैं, उसकी पुनरावृत्ति यहाँ ना हो, क्योंकि हमारा जनपद बहुत सेंसिटिव है। अगर छोटी सी घटना होती है पूरे यूपी में नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसकी बात फैलती है। मैं जानता हूँ कि हमारे जितने भी स्कूल हैं, चाहे सीबीएसई आईसीएसई के हमारे जितने भी डायरेक्टर हैं, वहाँ के प्रिंसिपल हैं, तत्पर हैं कि बच्चों की सुरक्षा किसी तरह से पूरी की जाए और कोई भी बच्चा किसी प्रकार से आहत ना हो। उसके लिए जो दिशा निर्देश कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भेजे हैं, हाई कोर्ट ने भेजे हैं, उसका आप लोग अच्छा तरह पालन करेंगे। ज़्यादातर स्कूलों में आईसीएसई सीबीएसई वालों में बसों का एक ही दौरान बच्चे आते हैं और उसमें हमारा नहीं है, उसमें पेरेंट्स भी शामिल हैं, अन्य डिपार्टमेंट भी शामिल हैं। हम सब लोग मिल के एसएसपी महोदय को आश्वस्त करना चाहेंगे, चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें स्टेक होल्डर हमारे पेरेंट्स हैं, वो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनका भी हम व्यू जानेंगे, बाद में उनकी भी गोष्ठी करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि पेरेंट अपने ट्रस्ट पे बच्चे को स्कूल भेजते हैं कि बच्चा हमारा ऐसी जगह पढ़ने के लिए जा रहा है जहाँ उसके लिए एक सुरक्षित माहौल मिलेगा, चाहे उसका विद्यालय का वाहन हो, चाहे विद्यालय का प्रेमिसेस हो, विद्यालय के टॉयलेट्स हो, लाइब्रेरी हो, हर जगह पेरेंट्स ये सोचता है कि बच्चा वहाँ सुरक्षित जगह जा रहा है, इसलिए विद्यालय प्रबंधन की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसमें सबसे पहला काम है विद्यालय की जितना हमारा ड्राइवर्स और सपोर्टिंग स्टाफ है उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, यूपी कॉप की वेबसाइट पर जाके करा सकते हैं, फ्री प्लेटफॉर्म है। और जो वेरिफिकेशन कर्मचारियों का किया है उसमें विद्यालय प्रबंधन और गार्जियंस उसको क्रॉस चेक करें कि जहां पहले ही ये काम करता था वहां से क्यों निकाला गया। ये एंटीसीडेंट्स आप ही चेक कर सकते हैं, करना चाहिए कि किस गलती पर निकाला गया, हो सकता है उसका क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, कोई और मिसबिहेव करता हो, मिसट्रस्ट उसने कुछ किया हो, मिसचीव की हो, जो रिकॉर्ड में ना हो, तो बात करने से वो बातें पता चल जाती हैं जो रिकॉर्ड में नहीं होती हैं। विद्यालयों में सीसीटीवी लगे हुए हैं पर सीसीटीवी की मॉनिटरिंग, वहाँ लगातार कोई मॉनिटरिंग तो करे बैठ के कि किस कक्षे में क्या हो रहा है। प्रधानाचार्य महोदय के कक्ष में लगा होता है, प्रधानाचार्य दूसरे काम में बिजी रहते हैं, लगातार मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कंट्रोल रूम डेडिकेटेड होना चाहिए। हम लोग पुलिस लाइन पुलिस में अपना डेडिकेटेड कंट्रोल रूम रखते हैं, वहाँ आदमी वॉच करता है लगातार, तो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। डिपार्टमेंट के मेरे साथी अधिकारीगण और मीडिया बंधु, वैसे तो आज की ये गोष्ठी स्कूलों के परिवहन से संबंधित थी, लेकिन सुबह मुझे एसएसपी सर की तरफ निर्देश मिला कि क्योंकि यहाँ पे सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यगण आए हुए हैं तो एक वक्ता भी यहाँ पे मिशन शक्ति के ऊपर भी हो जाए, वही सके कहने के बाद भी कि आप लोगों की बहुत अहम भूमिका है इसमें। आपके स्कूल में जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनको सशक्त करना, उनको उनकी सुरक्षा से संबंधित जानकारी देना बहुत अहम है, इसलिए ये जो मिशन शक्ति है
इसके सक्सेसफुल होने में आप बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों की है इसमें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए और जो अपराधों के इन्वेस्टिगेशन होकर उसमें चार्जशीट लग गई है उनको ट्रायल पे ला करके उसमें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए देश से मिशन शक्ति का अभियान प्रारंभ किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। यह अभियान 20 अक्टूबर 2020 में स्टार्ट किया गया था और इसका उद्देश्य था महिलाओं में उनकी सुरक्षा के संबंध कानून की जानकारी देना, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से शीघ्र सजा दिलवाना, मंचर्य व शोध जो महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने में खलल डालते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। इसका मतलब है कि एक ऐसे माहौल तैयार करना चाहते हैं हम सभी मिलकर के जिसमें महिलाएं स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकें, कहीं आने जाने में, कहीं कोई कार्य करने में उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो, किसी तरह की कोई बाधा ना हो। डीआरटीओ साहब, मेरे साथी पुलिस अधीक्षकगण, क्षेत्राधिकारीगण, सभी इंस्पेक्टर्स, थाना प्रभारी, SHO, SO, मेरे साथीगण और यहाँ मौजूद सम्मानित प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट इंचार्ज और मीडिया के बंधु, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि हमारे बुलाने पर आप आए और मैं आपके संडे की हत्या करने का दोषी भी हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर संडे के अलावा मुझे लगा कोई दिन होगा नहीं जब आप लोग फ्री होंगे तो इसी वजह से मुझे ये अपराध करना पड़ा। वैसे तो अंतिम वक्ता के लिए बड़ी समस्या होती है कि क्या बोले, क्योंकि सब कुछ तो बोल दिया है, कुछ चीज छूटी नहीं है बताने के लिए, तो मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। दो पीरियड दे देते तो हमारे बच्चों को नियम पता चल जाएंगे, हमारे टीचर्स को और पेरेंट्स तक भी संदेश जा सकता है। सर मेरा सुझाव है, बुरा मत मानिएगा। तीसरा विषय ऐसा है, जैसे आपने कहा कि आप हमको विश्वास में लीजिए, आप हमको कष्ट दीजिए, आप हमारे साथ बैठिए, तो हम ऐसा अवसर ढूंढे ताकि हम स्कूलों में विजिट करें। आप करते होंगे शायद, लेकिन हमारे तक हुआ नहीं। तो अगर विजिट होता है या मीटिंग होता है तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा और इससे हमको बहुत आपका सहयोग मिलेगा। सर चौथा बिंदु ऐसा है, जैसे स्कूल सेफ्टी कमेटी होता है, PTA होता है, तो हम चाहेंगे कि जैसे हमारे में जो कुछ प्रमुख लोग हैं वहाँ सदस्य बने उस कमेटी के, तो ताकि सेफ्टी बनी रहे बाहर और स्कूल के अंदर। तो अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे स्कूल से अगर जुड़ जाओगे तो हमको अच्छा, सभी स्कूलों के साथ जुड़िए सर। और पांचवा बिंदु ऐसा है कि जैसे कुछ हम मनाते हैं 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव या कुछ सैनिक दिन या आर्मी डे, तो उस अवसर पर हम बच्चों को आर्म्स या डिफेंस के बारे में जानकारी दें ताकि उसका सदुपयोग कैसे होता है और ताकि वो बच्चे मोटिवेट होकर भविष्य में संस्था से जुड़े। जी आज प्रेक्षागृह में हमने ये मीटिंग आयोजित की है जिसमें कि स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और व्यवस्थापकों को बुलाया गया है और इसमें पुलिस विभाग, BSA, DIOS, RTO कार्यालय और अन्य संबंधित विभागों से भी अधिकारीगण आए हैं। ये मीटिंग का दौर चलाया गया है जिससे कि संवाद और समन्वय की एक प्रक्रिया स्थापित हो स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और व्यवस्थापकों और सरकारी विभागों के बीच में, विशेषकर पुलिस के बीच में, जिससे कि जो समस्याएं हैं उनका आदान प्रदान हो और जो समस्याएं समाधान योग्य हैं उनका समाधान किया जाए और जो नहीं हो पा रही समाधान उनका किस प्रकार से समाधान होगा इस पर निरंतर विचार किया जा सके। साथ ही जो ट्रैफिक के संबंध में जो नियम बने हैं और महिला सुरक्षा के संबंध में जो हमारा अभियान चल रहा है मिशन शक्ति का, इसको और किस प्रकार से स्कूलों के माध्यम से और इसको जागरूकता लाई जाए, इसको प्रभावी बनाया जाए, इस बारे में विचार विमर्श हुआ। आत्मरक्षा के लिए स्कूलों को किस प्रकार से तैयार किया जाए इस बारे में विचार हुआ है और इसका बड़ा अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिला है जिसमें कि हमारे जो लोकल पुलिसकर्मी हैं, इंस्पेक्टर्स और स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और व्यवस्थापक, उनके बीच में वार्तालाप हुआ है और ये एक सिलसिला जारी हुआ है आपसी समन्वय का जो कि भविष्य में भी जारी रहेगा जिससे कि जो असामाजिक और आपराधिक तत्व हैं वो हमारे छात्र छात्राओं से दूर रहें। हमारे छात्र छात्राओं को यदि किसी प्रकार की कोई मदद की आवश्यकता हो तो तत्काल उनको उपलब्ध करवाई जा सके
और हमारे स्कूल्स जो हैं वो एक विद्या का घर बने और वहाँ पर हम सभ्य समाज की स्थापना कर पाएँ सरल और सुगम तरीके से, ये एक प्रयास हमारी तरफ से आज किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय पुरातन सम्मेलन के अवसर पर डिस्टिंग्विश एल्यूमनाई अवार्ड से 34 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की पहली राष्ट्रीय पुरातन सम्मेलन आयोजित की गई, जिसमें जज, मीडिया, वाइस चांसलर, NRI सहित 34 लोगों को डिस्टिंग्विश एल्यूमनाई अवार्ड से नवाजा गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय आने वाले दिनों में एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा, जिससे कई तरह के फायदे मिलेंगे, जैसे विश्व के बड़ी यूनिवर्सिटी में छात्रों को मदद की जाती है, आगे बढ़ाया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, अवार्ड आपको हम लोग ने से नवाजा है, उसका एक दो मिनट में साइटेशन करूँ, उसके बाद फिर हम आपको धन्यवाद दे देंगे। आप मीटिंग से आप ऑनर एंड फेलिसिटेट डिस्टिंग्विश एलमस द जेंटलमैन पॉलिटिशियन टावरिंग स्टेटमैन प्री एमिनेंट नेशनलिस्ट आइडियोलॉग एंड द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री राजनाथ सिंह जी। सर, यू आर बोर्न इन 1951 एट विलेज बोहरा चकिया तहसील इन चंदौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी वॉज अ मेजर माइलस्टोन इन योर स्पेक्टेकुलर इंटेलेक्चुअल जर्नी। यू कंप्लीटेड योर MSc इन फिजिक्स फ्रॉम हियर एंड इट वॉज द नर्सरी ऑफ your future achievements. Your stellar record includes your successful tenure as the education minister and the chief minister of Uttar Pradesh, national president of BJP, member of both the houses of parliament, union minister of agriculture, union minister of home affairs, union minister of defense. Sir, in a political career spanning 5 decades, you have set glorious standard of probity, consciousness, selflessness, public service for other to well meet. Sir, we are extremely thankful that you have accepted our invitation to be part of our first national alumni meet and to relive heritage hallowed memories with a fellow alumni. Your achievements gives us strength and a sense of mission to serve our students better. Sir, kindly honor us by accepting this distinguished alumnus award. धन्यवाद सर, हम लोग सभी विश्वविद्यालय के परिवार की तरफ से मंच पे बैठे अलमुनस अलमनाई, सामने बैठे अलमन अलमनाई और स्टूडेंट टीचर्स की तरफ से सभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, 2 बार 3 बार आप कनेक्ट हुए, फिर डिस्कनेक्ट हुए, आपने इंतजार किया। हम क्षमा चाहते हैं, कुछ शेड्यूल से हम लोग नहीं चल पाए, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि प्रोटोकॉल को फॉलो करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब कुलपति जी से अनुरोध है कि विद्यार्थी के रूप में
पूरे विश्वविद्यालय का नाम हो गया और वासी निश्चित करके हमारे न्यायाधीश जो है जिन्होंने अपने विश्वविद्यालय की दूसरी यूनिवर्सिटी है उनका पदक के सम्मान किया है। वो आदमी पाए इस कार्यक्रम में आना था और वीडियोग्राफर ने आदमी के ऊपर जिसे सम्मान प्राप्त किया यह सम्मान प्राप्त किया। बहुत मैं भी कहता हूँ प्रोफेसर राकेश कुमार पांडे अनेक संस्थान विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका को अनेक जगहों पर खंडित किया है। विश्वविद्यालय आपको यह सम्मान देते हैं। सर 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 सामने ना डिस्टिंग्विश एलुमनस अवार्ड से 34 लोगों को नवाजा गया है। उसमें 3 जज हैं, राजनाथ सिंह हैं, जगदम्बिका पाल जी हैं, 5-6 वाइस चांसलर हैं और साइंटिस्ट हैं, NRI हैं, 3 NRI हैं, एक ब्राउन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नारायण हैं। तो इस तरह से उनको डिस्टिंग्विश एलुमनस अवार्ड दिया गया। SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने विद्यालय जाने वाले छात्रों के गार्जियन से अपील करते हुए कहा कि आपके जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं जो कि कम उम्र के हैं उनको आप वहां ना दें, क्योंकि ऐसा करने से न कि बच्चों की जान का खतरा होता है, यदि बच्चों को स्कूल में किसी तरह की समस्या होती है तो आप संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य व व्यवस्थापक को बताएं या आप बाल सुरक्षा टीम या महिला सुरक्षा टीम को बताएं। इसलिए सभी अभिभावक या छात्र बहुत आवश्यकता पर डायल 112 वोमेन हेल्पलाइन नंबर 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर अपनी समस्या पर बता सकते हैं, जिससे आपकी समस्याओं का निदान किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, मैं जनपद गोरखपुर के सभी अभिभावकों से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको आप कम उम्र के बच्चों को वाहन न दें, क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि दूसरों की जान को भी खतरा होता है। साथ ही यदि बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल या व्यवस्थापक को बताएं या हमारी जो बाल सुरक्षा टीम है या महिला सुरक्षा टीम है उनको बताएं। आप आवश्यकता अनुसार 112 नंबर पर या 1098 जो कि हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन है या 1090 जो कि हमारी महिला हेल्पलाइन है उस पर भी कॉल करके समस्या बता सकते हैं। जो बच्चों की समस्या है उसको खुल के बताएं ताकि बच्चों की समस्याओं का समय रहते निदान किया जा सके। कैन पुलिस ने 2 अंतर जनपदीय वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैन थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को सरदार तिराहा से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सुनील पुत्र स्वर्गीय जीवन लाल निवासी वार्ड नंबर 8 मुंशी गोरखनाथ टोला थाना कोतवाली जनपद देवरिया, दूसरा करण पुत्र स्वर्गीय भोला निवासी वार्ड नंबर 7 जमुना सदर थाना कोतवाली जनपद देवरिया के रूप में हुई है, जिसके पास से बिना नंबर प्लेट की चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम दोनों लोग मिलकर मोटरसाइकिल चोरी करते हैं एवं पुलिस से बचने के लिए मोटरसाइकिलों के नंबर प्लेट को निकाल कर तोड़ देते हैं व गोरखपुर में आकर ग्राहकों की तलाश कर उन मोटरसाइकिलों को बेच देते हैं। उन्होंने बताया कि दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैन थाना प्रभारी शशि भूषण राय, चौकी प्रभारी रेलवे अरुण कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल परशुराम मिश्र, अशोक कुमार शामिल रहे।
सर जो आने लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 25 अप्रैल को खोराबार थाना क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर के पीड़ित परिवार को प्रदेश सरकार ने 5,00,000 रुपए की दी सहायता राशि। ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने रविवार को पीड़ित परिवार के दोनों बच्चों को सौंपा 2,500,000 का चेक। कहा, प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ है, हमेशा किसी भी तरह की समस्या होने पर दी जाएगी सहायता। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन का इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस सलील कुमार राय ने फीता काट कर विधिवत किया उद्घाटन। मुख्य अतिथि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल तरीके से सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, पुरातन छात्र सम्मेलन में एक पुरातन छात्र के रूप में जुड़ने वाले इस अनुभव से खुद को महसूस कर रहा हूँ गौरवान्वित। वरदायिनी मॉडल शॉप पर 30 अक्टूबर को वेटर की हत्या में शामिल अभियुक्तों के घर रामगढ़ताल पुलिस ने डुगडुगी पिटवा कर कुर्की के नोटिस को किया चस्पा। कहा, एक महीने के भीतर वांछित अभियुक्त पुलिस या न्यायालय में करे सरेंडर, नहीं तो उनके मकानों की जाएगी कुर्की की कार्यवाही। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने तरुण सुरक्षा अभियान के तहत छात्र छात्राओं की सुरक्षा हेतु विद्यालय के प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों के साथ की गोष्ठी। कहा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सभी विद्यालय के अध्यापक व प्रधानाचार्यों को किया जा रहा है जागरूक। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पहले राष्ट्रीय पुरातन सम्मेलन में 34 पुरातन छात्रों को डिस्टिंग्विश एल्यूमनाई अवार्ड से किया गया सम्मानित। कहा, गोरखपुर विश्वविद्यालय आने वाले दिनों में बनेगा एक बड़ा प्लेटफॉर्म, मिलेंगे कई तरह के फायदे। विद्यालय जाने वाले छात्रों के गार्जियन से एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने की अपील। कहा, कम उम्र के छात्र व छात्राओं को ना दे स्कूल जाने के लिए वाहन, किसी तरह की समस्या होने पर डायल 112 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दें सूचना, तत्काल होगी कार्यवाही। दो अंतरजनपदीय वाहन चोरों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का दो मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। जिला प्रशासन ने वाद हित सर्वोपरि किया लॉन्च। एडीएम फाइनेंस ने कहा, वादी न्यायालय में आकर अपने मुकदमे की पैरवी कर कराए अपने मुकदमे का निस्तारण, वादियों की सभी समस्याओं का होगा समाधान। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र सम्मेलन में आए हुए अतिथियों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कुलाधिपति वाटिका में किया पौधारोपण। कहा, विशिष्ट अतिथि और अतिथियों का यादगार पहलू बन सके, इसलिए किया गया है पौधारोपण। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो अभियुक्तों को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 किलोग्राम नाजायज गांजा व मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। सीओपीडी नामक बीमारी के संदर्भ में एक संगोष्ठी का गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय के निदेशक मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी ने किया शुभारंभ। कहा, देश की 3 करोड़ आबादी सीओपीडी नामक बीमारी से है ग्रसित। इस बीमारी से 10 लाख लोगों की प्रतिवर्ष होती है मृत्यु। और तरुण सुरक्षा अभियान के तहत विद्यालयों के वाहन चालकों व सहयोगी स्टाफ का कराया गया स्वास्थ्य परीक्षण। एसएसपी ने कहा, अनफिट वाहन चालक के वाहन चलाने पर लगाई जाएगी रोक। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस।
कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए, दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला प्रशासन ने वाद हित सर्वोपरि को लॉन्च किया है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिले के विभिन्न न्यायालय में वाद लंबित है, क्योंकि दो सालों से लगातार कोविड की वजह से कोर्ट नहीं लग पा रहा था, जिससे काफी मुकदमे न्यायालय में आ गए, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी ने तहसीलों में अधिकारियों को भेज करके विजिट कराया और 26 अप्रैल को यह निर्देशित किया गया कि वादकारियों का हित सर्वोपरि है, इसलिए सभी अधिकारी अपने अपने न्यायालय में बैठे, जिसको देखते हुए 26 अप्रैल के बाद वादी निस्तारण दिवस मनाया जा रहा है। इसमें वादियों के मामलों का निस्तारण किया जा रहा है और एक मिशन लॉन्च किया गया है, मिशन वाद हित सर्वोपरि, जिसको नाम दिया गया है। उन्होंने सभी वादियों से अपील करते हुए कहा कि वह न्यायालय में आकर अपने मामलों का समय से निस्तारण करवा लें और सभी अधिकारी अपने न्यायालय में बैठे, जिससे कि वादियों के मामलों का अधिक से अधिक निस्तारण हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस हूँ। हमारे जनपद में जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न न्यायालयों में ढेर सारे वाद लंबित हैं, पीछे कोविड था, उसके पहले भी कोविड था और न्यायालय कम बैठ पाया, वादकारी नहीं आ पाए, इससे मुकदमों का अंबार लग गया। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को तहसीलों में भेज करके और हमारे न्यायालयों में उच्च अधिकारियों को भेज करके विजिट कराया और 26 अप्रैल को ये निर्देशित किया कि वादकारियों का हित सर्वोपरि है, वाद का हित सर्वोपरि है, हम लोग न्यायालयों में बैठें। इस हेतु मई माह को वाद निस्तारण माह मनाया जा रहा है और एक मिशन लॉन्च किया गया है, जिसको मिशन वाद हित सर्वोपरि, मिशन वाद हित सर्वोपरि उसको नाम दिया गया है। सबसे अनुरोध किया गया है माननीय एडवोकेट साहबान से, हमारे जो पीठासीन अधिकारी हैं, सबसे अनुरोध किया गया है कि पीठासीन अधिकारी समय से न्यायालयों में बैठें, मैक्सिमम टाइम न्यायालय में गुजारें। एडवोकेट साहबान से अनुरोध किया गया है कि वो न्यायालयों को कोऑपरेट करें और आम जनता जिनके मुकदमे हैं, जिनके वाद विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो नियत तिथि पर अवश्य आएँ, मुकदमे में हाजिर हों, अपने साक्ष्य दें, बहस कराएं और मुकदमों का जिससे गुणवत्ता परक गुण दोष के आधार पर निस्तारण हो सके।
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन के अवसर पर कुलाधिपति वाटिका में पुरातन छात्र सम्मेलन में आए हुए अतिथियों द्वारा पौधारोपण किया गया, जिसमें वरिष्ठ अतिथि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस सलील कुमार राय, दक्षिण बिहार गया केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के एन सिंह, महानिदेशक डॉक्टर सुनील शुक्ला, उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री डॉक्टर विराट चंद्र कौशिक, जननायक विश्वविद्यालय बलिया की कुलपति प्रोफेसर कल्पना पांडे, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, संयुक्त निदेशक कृषि लखनऊ सुमिता सिंह, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कार्य परिषद सदस्य अनिल कुमार सिंह, एक चैनल की उप संपादक एवं एंकर चित्रा त्रिपाठी तथा मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित कई विशिष्ट अतिथि और अतिथियों ने चंदन, बादाम, तुलसी, रुद्राक्ष, आंवला जैसे वृक्षों का पौधारोपण किया, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के एल्युमिनाई सेल के अध्यक्ष प्रोफेसर एस के सिंह ने बताया कि विशिष्ट अतिथि और अतिथियों के नाम पर तथा उनके द्वारा पौधारोपण किया गया ताकि यह यादगार पहलू बन सके। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वैसे वैसे उनकी यादगार, उससे यादें और बढ़ेंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एल्युमिनाई सेल के अध्यक्ष प्रोफेसर एस के सिंह ने कहा, हट जाओ आगे छत भाई, हट जाओ भाई, हट जाओ आगे छत, इसको ठीक करिए, उसको छोड़ दो, उतना हो गया, बस बस छोड़ दीजिए इसको, सही ला भाई, कभी सरकार बाल्टी थोड़ी ला भाई, हां सर है सर, भैया बोर्डवर्क पास है, आप खड़े हो जाइए सर, बोर्डवर्क ढक रहा है, फोटो खड़े 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 सब आइए, मैन पर सर आओ, पानी पानी दे, पानी डालो, नहीं खड़े हो जाइए, हां तो तोलिए ना, तोलिए ना, तोलिए तोलिए, हमारा वाला है ना, उसके हाथ लगाइए आप, और पानी लाओ, संगम इधर है, ये बोर्ड भी है ना, नाम है संगम भाई, अरे यार भैया पीछे आ जाइए, उस साइड में आ जाइए, अभी पानी जाते हुए भर देना भाई सर, इसे पनीर की रही, पनीर की रही,
मैम इधर देखिए, मैम प्लीज इधर पानी। मैं प्रोफेसर एस के सिंह, एल्मिनाई सेल का प्रेसिडेंट। हम वृक्षारोपण चूंकि एक हमारे जो विशिष्ट एल्मिनाई हैं उनके द्वारा, उनके नाम पर उनके बोर्ड लगे हुए हैं, उन्होंने वृक्ष लगाया, चूंकि वो यादगार पहलू होगा, वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा तो उससे यादें, और जैसे विश्वविद्यालय कैंपस से उनकी यादें जुड़ी हैं उस पेड़ से, चूंकि पेड़ पर्यावरण को शुद्ध करता है, और जब पर्यावरण स्वच्छ है तो हमारा जीवन स्वच्छ है, सुरक्षित है, और यह शिक्षा का केंद्र है निश्चित तौर पर। यह अपने आप में विद्यार्थियों का जिस तरीके से इस कैंपस से लगाव है पुरातन छात्रों का, उस पेड़ के प्रति भी वो जब देखेंगे तो आह्लाद का विषय होगा। राजघाट पुलिस ने दो अभियुक्तों को नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में टीपी नगर चौकी प्रभारी अनुप तिवारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को नेशनल हाईवे अमरूद मंडी के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान पिंटू पुत्र मुराली निवासी उत्तरी कोलिया थाना गीडा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। दूसरा सतगुरु पुत्र लालचंद निवासी घुनघुन कोठा थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 2 किलोग्राम नाजायज गांजा, एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाकर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में टीपी नगर चौकी प्रभारी अनुप कुमार मिश्र, हेड कांस्टेबल हरेंद्र सिंह, कांस्टेबल गोरख सिंह, मंगलदीप, देवेंद्र कुमार, कांस्टेबल विनोद कुमार शामिल रहे। गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय गोरखपुर के चेस्ट विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शशांक ओझा के द्वारा चिकित्सालय के आवासीय चिकित्सकों के लिए सीओपीडी नामक बीमारी के संदर्भ में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सीओपीडी संगोष्ठी का शुभारंभ गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय के निदेशक मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी द्वारा किया गया। संगोष्ठी में वरिष्ठ चेस्ट विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शशांक ओझा ने बताया कि देश की 3 करोड़ आबादी सीओपीडी नामक बीमारी से ग्रसित है। 10 लाख लोगों की मृत्यु प्रतिवर्ष इस बीमारी के द्वारा होती है। ज्यादातर यह बीमारी धूम्रपान करने वालों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चूल्हे, कोयले और लकड़ी पर खाना बनाने वाली महिलाओं को होती है। डॉक्टर ओझा ने आगे बताया कि इस रोग में श्वास की नलियों में स्थायी सूजन हो जाती है, खांसी आना, सांस फूलना, गले से सीटी जैसी आवाज आना इस बीमारी के लक्षण होते हैं। इस बीमारी की पहचान स्पायरोमीटर नामक मशीन के द्वारा की जाती है। बीमारी के गंभीर रोगियों में आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण जाँच होती है, जिसके द्वारा खून में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का पता चलता है। अस्थमा के मरीजों का जिनका इलाज समुचित ढंग से नहीं होता है उनमें इस बीमारी के होने की संभावना ज्यादा होती है। डॉक्टर शशांक ने बताया कि इस बीमारी की 4 अवस्थाएं हैं, प्रत्येक अवस्था का इलाज अलग अलग होता है। वैश्विक संस्था गोल्ड के गाइडलाइन के अनुसार उपचार करना ही उचित होता है। इस बीमारी का असर फेफड़े, श्वास एवं नलियों के अलावा शरीर के अन्य अंगों पर भी पड़ता है। इनहेलर के द्वारा दी जाने वाली दवाइयां ही इसका सर्वोत्तम इलाज है। यदि मरीज की बीमारी स्टेज के अनुसार उपयुक्त इलाज नहीं चलता है तो आगे ऐसे रोगियों के खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके लिए बाईपैप मशीन एवं वेंटिलेटर मशीन का प्रयोग करना पड़ता है। इम्फाइसीमा के मरीजों में ब्रांकोस्कोपिक लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी का प्रयोग किया जाता है। इसमें ब्रांकोस्कोप के द्वारा फेफड़े के खराब में वॉल्व डाला जाता है। संगोष्ठी में चिकित्सालय के अपर निदेशक डॉक्टर कामेश्वर सिंह, सहायक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर देवी प्रसाद, डॉक्टर राकेश तिवारी, डॉक्टर दिवाकर मिश्रा, डॉक्टर आरपी पांडे एवं चिकित्सालय के आवासीय चिकित्सक डॉक्टर सुनील सिंह, डॉक्टर अशोक दुबे, डॉक्टर घनश्याम, डॉक्टर डीएन सिंह, डॉक्टर सचिन, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, डॉक्टर गौतम सिंह, डॉक्टर के मिश्रा, डॉक्टर डीएन गुप्ता आदि उपस्थित थे। आप उसका वेट लगा, पल्स ऑक्सीमीटर को जैसे लगा, अब नहीं सही से लगा, 34 बता दिया आपने, अरे बहुत टिपिकल, वेट कर लो पल्स ऑक्सीमीटर, आप टंग देखो ना, टंग हम लोग की पिंकीस है, अगर ब्लूइश है तो SpO2-88 के नीचे है, 88 के नीचे है तो ऑक्सीजन डिमांड है। अब आपके ऊपर आपने एक लीटर लगाया, 2 लीटर लगाया, 1 लीटर अगर आपका 95, अगर किसी के 6 लीटर पे 95 के ऊपर आ रहा है 6 लीटर लगाओ,
एबीजी निकाल लो, एबीजी CO2 देख लो, CO2 बढ़ा होगा, बाईपैस बना लो। अब बाईपैस जो है यूजली हम देखते हैं आर्गनोलोजन कहेंगे आप पेशी फ्लैट मत जाओ भैया, ठीक है, हमेशा बाईपैस 45 डिग्री पर होना चाहिए, ठीक है, कम से कम उसकी डायफ्राम को रिलैक्स रखो। अब आप उसको फ्लैट में डायफ्राम ऊपर चला जाएगा और भी जो है लंग्स जो है कंप्रोमाइज हो जाएगा। देखो जैसे एम्फाइसिमा को पहचानने के लिए है ना, क्योंकि सीओपीडी में दोनों चीजें हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसिमा है। तो बेसिकली अगर आपको एम्फाइसिमा देखना है, बुल्ला देखना है, तो आप सिटी करो। वैसे सिटी करने में क्या, जब कोविड का पीरियड चल रहा था तब कहा गया था कि सब प्रोन पोजीशन में पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, क्या ये सही है? हाँ सर, मैक्सिमम प्रोन पोजीशन में करेंगे पेशेंट रिलैक्स रहेगा सर। जब अधिकतर हम लोग सुपाइन में ही कराते हैं, हम लोग सुपाइन में कराते हैं सर, प्रोन पोजीशन में वेंटिलेशन पे डालते हैं तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है बढ़ता है, इफेक्ट है जी सर। क्योंकि सर जो लंग के तीन पार्ट जो हमारी ट्रेकिया से एयर आ रही है, नेचुरल सी बात है, ऊपर हमारा परफ्यूजन ज्यादा होगा, एयर ज्यादा जाएगी और नीचे की तरफ एयर कम जाएगी। तो नीचे की तरफ हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो ग्रेविटी डिपेंडेंट है, तो ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, तो नीचे की तरफ परफ्यूजन कम होता, ऊपर की तरफ परफ्यूजन ज्यादा पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में रविवार को तरुण सुरक्षा के अभियान के तहत विद्यालय के वाहन चालकों व सहयोगी स्टाफ के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान परीक्षण शिविर में आए डॉक्टरों ने विद्यालय के वाहन चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि जनपद में छात्र छात्राओं की सुरक्षा के संबंध में 15 दिनों से एक अभियान चलाया गया जिसका नाम तरुण सुरक्षा है, जिसके तहत ट्रैफिक संबंधित व महिला अपराध संबंधित जितने भी अभियान चल रहे हैं उनको स्कूलों के माध्यम से जोड़ा गया है, जिसको देखते हुए विद्यालय में छात्र व छात्राओं को लाने व ले जाने के लिए जितने भी वाहन चालक व स्कूलों में कार्य करते हैं उन सभी चालकों का मेडिकल चेकअप किया गया है, जिसमें आई चेकअप के साथ अन्य चेकअप शामिल है। इस चेकअप में जो लोग फिट होंगे उनको पुलिस की तरफ से प्रमाणित किया जाएगा व जो लोग अनफिट होंगे उनके विद्यालय को इसकी सूचना दी जाएगी, जिससे कि अनफिट वाहन चालक छात्रों व छात्राओं के वाहन को ना चलाएं और उनके लाइसेंस को भी चेक किया जा रहा है। इस अवसर पर IMA के अध्यक्ष डॉक्टर शिव शंकर शाही सहित अन्य डॉक्टर व विद्यालय के वाहन चालक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रशिक्षु IPS CO प्रशाली गंगवार और SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, कोई लक्षण नहीं होते हैं, ये साइलेंट किलर है। व्हाइट हाउस में चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ है, जहां पे विभिन्न स्कूल्स में जो ड्राइवर्स बसेस चलाते हैं उनका नेत्र परीक्षण हो रहा है और उनका और भी फिजियोलॉजिकल परीक्षण हो रहा है, जिससे वो यहां पे स्वस्थ हैं या नहीं और गाड़ी चलाने के लायक हैं या नहीं उस चीज़ का परीक्षण हो जाएगा और बच्चों को सही से स्कूल ले जाएं, तो इस चीज़ का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। विद्यालयों में छात्र छात्राओं की सुरक्षा के संबंध में जनपद गोरखपुर में एक अभियान 15 दिवसीय चलाया है जिसका नाम तरुण सुरक्षा है। इसके तहत हमने ट्रैफिक संबंधित और महिला अपराध संबंधित जितने भी कार्यवाही हैं हमारे अभियान चल रहे हैं उनको स्कूलों के माध्यम से जोड़ा गया है और इसी क्रम में हमने जितने भी चालक छात्र छात्राओं को लाने ले जाने के लिए स्कूलों में कार्य करते हैं उन सभी चालकों का मेडिकल कैंप लगवाया है पुलिस लाइन्स में, जहाँ पर कि उनका मेडिकल चेकअप विशेषकर कि आई चेकअप करवाया जा रहा है
और इसमें जो लोग फिट होंगे उनको पुलिस की तरफ से प्रमाणित किया जाएगा, जो अनफिट होंगे उनके संबंध में संबंधित स्कूलों को और अभिभावकों को सूचना दी जाएगी, जिससे कि ऐसे लोग छात्र छात्राओं को जो वाहन है बाल वाहिनी उन्हें न चलाएं और इनके जो लाइसेंस हैं उनको पूरा चेक करके फिर से इसमें कार्रवाई की जाए। आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 25 अप्रैल को खोराबार थाना क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर के पीड़ित परिवार को प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए की दी सहायता राशि। ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने रविवार को पीड़ित परिवार के दोनों बच्चों को सौंपा 2.5 लाख का चेक। कहा, प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ है, हमेशा किसी भी तरह की समस्या होने पर दी जाएगी सहायता। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन का इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस सलील कुमार राय ने फीता काट कर विधिवत किया उद्घाटन। मुख्य अतिथि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल तरीके से सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, पुरातन छात्र सम्मेलन में एक पुरातन छात्र के रूप में जुड़ने वाले इस अनुभव से खुद को महसूस कर रहा हूँ गौरवान्वित। वरदायिनी मॉडल शॉप पर 30 अक्टूबर को वेटर की हत्या में शामिल अभियुक्तों के घर रामगढ़ताल पुलिस ने डुगडुगी पिटवा कर कुर्की के नोटिस को किया चस्पा। कहा, एक महीने के भीतर वांछित अभियुक्त पुलिस या न्यायालय में करे सरेंडर, नहीं तो उनके मकानों की जाएगी कुर्की की कार्यवाही। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने तरुण सुरक्षा अभियान के तहत छात्र छात्राओं की सुरक्षा हेतु विद्यालय के प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों के साथ की गोष्ठी। कहा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सभी विद्यालय के अध्यापक व प्रधानाचार्यों को किया जा रहा है जागरूक। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पहले राष्ट्रीय पुरातन सम्मेलन में 34 पुरातन छात्रों को डिस्टिंग्विश एल्यूमनाई अवार्ड से किया गया सम्मानित। कहा, गोरखपुर विश्वविद्यालय आने वाले दिनों में बनेगा एक बड़ा प्लेटफॉर्म, मिलेंगे कई तरह के फायदे। विद्यालय जाने वाले छात्रों के गार्जियन से एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने की अपील। कहा, कम उम्र के छात्र व छात्राओं को ना दे स्कूल जाने के लिए वाहन, किसी तरह की समस्या होने पर डायल 112 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दें सूचना, तत्काल होगी कार्यवाही। दो अंतरजनपदीय वाहन चोरों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का 2 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। जिला प्रशासन ने वाद हित सर्वोपरि किया लॉन्च। एडीएम फाइनेंस ने कहा, वादी न्यायालय में आकर अपने मुकदमे की पैरवी कर कराए अपने मुकदमे का निस्तारण, वादियों की सभी समस्याओं का होगा समाधान। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र सम्मेलन में आए हुए अतिथियों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कुलाधिपति वाटिका में किया पौधारोपण। कहा, विशिष्ट अतिथि और अतिथियों का यादगार पहलू बन सके, इसलिए किया गया है पौधारोपण। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 अभियुक्तों को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 किलोग्राम नाजायज गांजा व मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। सीओपीडी नामक बीमारी के संदर्भ में एक संगोष्ठी का गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय के निदेशक मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी ने किया शुभारंभ। कहा, देश की 3 करोड़ आबादी सीओपीडी नामक बीमारी से है ग्रसित। इस बीमारी से 10 लाख लोगों की प्रतिवर्ष होती है मृत्यु। और तरुण सुरक्षा अभियान के तहत विद्यालयों के वाहन चालकों व सहयोगी स्टाफ का कराया गया स्वास्थ्य परीक्षण। एसएसपी ने कहा, अनफिट वाहन चालक के वाहन चलाने पर लगाई जाएगी रोक। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।